नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सितेश चौहान है और मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये 15 बातें बिना जाने अपना घर का काम जो है स्टार्ट मत करना। तो दोस्तों, बात करते हैं, अगर आप घर बना रहे हैं तो घर बनाने से पहले क्या क्या जो है कि टिप्स आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट में जो बात करते हैं कि एक्सकेवेशन करना होता है फाउंडेशन के लिए, कि आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए कितना एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर से कितना, मतलब ग्राउंड लेवल से कितना डेप्थ आपको एक्सकेवेशन करना है फाउंडेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 4 फीट एक्सकेवेशन करना है, ठीक है। और ग्राउंड प्लस 1 या 2 बना रहे हैं तो उसके लिए कितना एक्सकेवेशन करना है, 5 फीट, मिनिमम 5 फीट एक्सकेवेशन करना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये 5 फीट से, अगर कुछ लोग कितना होते हैं कि एक्सकेवेशन 5 फीट से कम कर देते हैं, ठीक है, तो उनका क्या है कि नींव जो है कि दोस्तों कमजोर हो गया है तो पूरा घर बेकार है, ठीक है। नींव कभी भी बेस जो होता है, घर का बेस होता है नींव, अगर ये मजबूत है तो समझ लीजिए कि आपका घर स्ट्रोंग है। बहुत से ठेकेदार जो होते हैं, जो घर जो है कि पैसा कमाने के लिए और पैसा बचाने के लिए जो है कि एक्सकेवेशन 3 फीट और 3.5 फीट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लिए क्या होता है कि घर का जो है कि न्यू जो है कमजोर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, फुटिंग जो है कि वो जो है कि फुटिंग का मेस जो होता है, फुटिंग का जो जाली बनता है वो सेंटर टू सेंटर सरिया का जो सेंटर टू सेंटर कितना रहना चाहिए, 6 इंच रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और बहुत से लोग कितना कर देते हैं, 9 इंच कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो फुटिंग जो होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, जो फुटिंग में मेस लगाते हैं उस मेस में क्या होता है कि सरिया का जो है कि स्टैंडर्ड जो साइज होता है, कितना एमएम का सरिया लगाना चाहिए उसमें, 12 एमएम का सरिया लगाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 12 एमएम का सरिया उसमें मेस में लगाना चाहिए। A4 ड्राइंग के हिसाब से भी लगाया जाता है, जो आपके ड्राइंग में लिखा है वो भी आप लगा सकते हैं, कितना आपके ड्राइंग में लगता है, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से ठेकेदार कर देते हैं क्या कि उसमें 8 से 10 एमएम का सरिया लगा देते हैं, जिससे आपका घर कमजोर रहने का बहुत से चांसेस होता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कि फुटिंग में से जो कॉलम निकलता है उसमें कितना एमएम का सरिया लगाना चाहिए। तो दोस्तों बात करता हूँ कि जैसे आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर में क्या होता है कि आप 12 एमएम का सरिया लगाना है, चार सेट का 12 एमएम का सरिया रहना चाहिए, ठीक दोस्तों। एक कॉलम में 4 सरिया रहेगा, वो भी 12 एमएम का। और ग्राउंड प्लस 1 बना रहे हैं तो 6 सरिया रहना चाहिए 12 एमएम का, ठीक दोस्तों। ग्राउंड प्लस 1 बना रहे हैं, ग्राउंड प्लस 1 तो आपका 6 सरिया रहना चाहिए 12 एमएम का, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं एक साइट पे गया था, उसमें एक ठेकेदार क्या किया था कि 10 एमएम का सरिया वो कॉलम में लगाया था, वो भी कॉलम कितना था, ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर का था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वो घर नहीं, वो क्या है, वो जैसे कवर बना रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कभी भी जैसे घर का जो नींव होता है, बेस होता है, उसको मजबूत बनाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं कि फाउंडेशन जो है और कॉलम का, जो हम लोग कंक्रीट करते हैं तो कंक्रीट में कितना सैंड और सीमेंट का कितना रेटियो रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी नॉर्मल जो होता है वो M20 होता है दोस्तों, M20 का रेशियो रखना चाहिए, जिसमें क्या होता है 1 बोरी सीमेंट रहता है, 1.5 बोरी सैंड रहता है और जो है कि 3 बोरी एग्रीगेट रहता है, ठीक दोस्तों, जिसको बोरी बोलते हैं। बहुत से ठेकेदार क्या करते हैं कि जो है कि रेशियो में कम बेसी कर देते हैं, तो जिसमें क्या होता है कि घर कमजोर होने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है, ठीक दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्लिंथ बीम के बारे में बात करते हैं, प्लिंथ बीम में कितना बार लगाना चाहिए। तो कितना होता है, 12 एमएम का अगर ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो 12 एमएम का 4 सेट रहना चाहिए, ठीक दोस्तों। और ग्राउंड प्लस 1 बना रहे हैं तो उसमें 1 और 2 बना रहे हैं, 12 एमएम का 4 और 16 एमएम का 2 सेट, जो कि टॉप और बॉटम में रहेगा, ठीक दोस्तों। बहुत से ठेकेदार इसमें 10 एमएम का लगा देते हैं, जिससे प्लिंथ बीम बहुत कमजोर हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डीपीसी का, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, जिसका काम होता है कि जो नीचे से सीलन आता है उसको रोकेगा, ठीक है दोस्तों। तो वो कितना एमएम का रहना चाहिए, कितना जैसे इसका थिकनेस कितना रहना चाहिए। दोस्तों डीपीसी का जो थिकनेस रखना है आपको 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा रखना है, इससे कम नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं स्लैब का, स्लैब का दोस्तों बात करते हैं कि स्लैब का जो है कि थिकनेस कितना मिनिमम रहना चाहिए। तो जो है आपका स्लैब का थिकनेस जो होता है 125 एमएम से या आप 5 इंच तक जो है कि मिनिमम इसका थिकनेस रख सकते हैं,
इससे ज्यादा आपको रखना है, इससे कम नहीं रखना है। इससे अगर कम रखेंगे तो आपका स्लेब क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक दोस्तों, जो आपका स्लेब रहेगा अगर 5 इंची से ज्यादा कम रखते हैं 125 mm से, तो आपका स्लेब कमजोर हो जाएगा और जिससे आपको बहुत से परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिस आपसे अपनों को हेल्प मिलेगा। दोस्तों अगर आप अपना घर का नक्शा बनाना चाहते हैं 2D या 3D एलिवेशन स्ट्रक्चर, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं सस्ता से सस्ता रेट पे आपको नक्शा बना के दूंगा।